गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 19 संवाद लेखन के बारे में बताऊंगी। संवाद लेखन अब संवाद लेखन का कार्य तब हम करते हैं जब हम किसी घटना को नाटक के रूप में हमें परिवर्तन करना होता है तब हम उसको जो है संवाद लिखते हैं। संवाद लिखना और उनका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखते हुए कुछ बातों को संवाद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान ज़रूरी होता है। संवाद जो होते हैं वो छोटे और मनोरंजक हो, पढ़ने में आसानी हो, सहज और सरल भाषा का प्रयोग हो, संवाद विषय को प्रकट करने में समर्थ हो। संवाद लिखते हुए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो। जब आप संवाद लिख रहे हो तो विराम चिन्ह का प्रयोग भी उतना ही ज़रूरी होता है। और संवाद लिखते समय विषय की पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाना चाहिए, किस बारे में हम संवाद लिख रहे हैं, और इस तरह से संवाद लिखें आपकी अंत में उसका कुछ निष्कर्ष निकले। तो आप संवाद लिखने के कुछ नमूने आपको दिए जा रहे हैं। गुड़िया का ब्याह रचाने के विषय में दो सहेलियों का संवाद अपनी गुड़िया के शादी को, दो सहेलियों का संवाद क्या है। मनीषा कहती है, तनीषा मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी गुड़िया का ब्याह तेरी गुड़िया से कर दूँ। तनीषा कहती है, मुझे भी तेरी गुड़िया बहुत अच्छी लगती है और यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीषा कहती है, पर मेरी एक शर्त है। तनीषा कहती है, क्या? मनीषा कहती है, मेरी गुड़िया हमेशा अपने दूल्हे के घर नहीं रहेगी। तनीषा कहती है, तो फिर कहाँ रहेगी? तो मनीषा कहती है, 15 दिन तेरे घर, 15 दिन मेरे घर। तनीषा, मुझे मंजूर है, तुम्हें भी गुड़िया और गुड्डी को उतना ही आराम देना होगा जितना गुड़िया को अपने ससुराल में मिलेगा। मनीषा, ठीक है, तो रविवार 4 दिसंबर को शादी तय रही। तो ये संवाद लेखन जब आप लिख रहे हो तो इसका कुछ आखिरी में इसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। और जैसे मनपसंद खाना ना बनने पर माँ बेटे का क्या संवाद होगा? जैसे मनीष, माँ आज खाने में आपने फिर से लौकी बना दी। हाँ, पूरे एक हफ्ते बाद तो लौकी की सब्जी बनी है। मनीष, इसका मतलब महीने में 4 बार यह सब्जी खानी होगी। माँ, इसमें क्या बुराई है? यह हरी सब्जी है, पौष्टिक तत्व है, बढ़ते बच्चों के लिए अच्छे हैं। मनीष, पर यह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो। तो माँ क्या कहती है, बेटा ठीक है, अभी तुम मेरी मनपसंद सब्जी खा लो, शाम का मैं तुम्हारी मनपसंद का पिज्ज़ा ऑर्डर कर दूँगी। तो मनीष कहता, सच माँ? माँ कहती, हाँ क्यों नहीं। तो आपको ये संवाद लेखन दो आपको दिए गए हैं। आपको इसमें से 4 संवाद लेखन हैं। तो आपका पहला जो संवाद लेखन है, मनपसंद टीवी चैनल देखने के विषय में भाई बहन का क्या संवाद हो सकता है? मनपसंद टीवी चैनल देखने के विषय में क्या संवाद होगा? भाई मैं 3 बजे क्रिकेट देखूंगा। भाई कहता है, मैं 3 बजे क्रिकेट देखूंगा। बहन कहती है, नहीं, 3 बजे मेरा नहीं, 3 बजे मेरा कार्टून आता है। फिर भाई कहता है, तुम अभी टीवी देख लो, बहन कहती है, नहीं, मैं 3 बजे
देखूंगी। भाई कहता है तो ठीक है, अभी मुझे देखने दो। ठीक है, अभी मुझे देखने दो। बहन कहती है हाँ ठीक है। तो ये जो आपका संवाद लेखन था, ये मनपसंद टीवी चैनल देखने के विषय में संवाद, तो मैं 3 बजे क्रिकेट देखूंगा, नहीं 3 बजे मेरा कार्टून आता है, तुम अभी टीवी देख ले, नहीं मैं 3 बजे ही देखूंगी, तो ठीक है तुम अभी मुझे देखने दो, हाँ ठीक है। तो ये भाई बहन का संवाद है टीवी चैनल देखने के विषय में। अब गृह कार्य पूरा ना करने पर अध्यापक और छात्र के बीच संवाद। गृह कार्य पूरा ना करने पर अध्यापक और छात्र के बीच में क्या संवाद होगा उसको आप देखेंगे। गृह कार्य पूरा ना करने के लिए अध्यापक और छात्र के बीच में क्या संवाद होगा, गृह कार्य ना पूरा होने पर। छात्र जो अध्यापक और छात्र के बीच का संवाद है कि गृह कार्य पूरा ना करने पर क्या संवाद है, तो छात्र कहता है सर मैंने आज अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो अध्यापक कहता है क्यों, तो मैं बीमार था। तो फिर अध्यापक कहता है इसके पहले कि तुमने नहीं किया था, इसके पहले वाला होमवर्क भी तुमने नहीं किया है। इसके पहले वाला होमवर्क भी तुमने नहीं किया है। फिर छात्र कहता है इसके पहले वाला होमवर्क भी तुमने नहीं किया है। छात्र कहता है सर मैं भूल गया था। फिर अध्यापक कहते हैं तुम लापरवाह हो रहे हो। छात्र कहता है सर मैं आगे से अपना होमवर्क पूरा करूंगा। फिर अध्यापक कहता है शाबाश। ये अध्यापक और छात्र के बीच का संवाद है गृह कार्य ना पूरा करने पर क्या संवाद है। छात्र कहता है सर मैंने आज गृह कार्य नहीं किया। अध्यापक क्यों, मैं बीमार था। अध्यापक इसके पहले वाला होमवर्क भी तुमने नहीं किया है। छात्र सर मैं भूल गया था। अध्यापक तुम लापरवाह हो रहे हो। छात्र सर मैं आगे से अपना होमवर्क पूरा करूँगा।
तो अध्यापक कहते हैं साबाश। ये आपका गृह कार्य पूरा ना करने पर छात्र अध्यापक और छात्र के बीच का संवाद आप लिख लेंगे।